शुक्रगुजार हूँ आपके मेरी वीडियोस देखने के लिए टाइम निकाल के, अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाल के। तो आज मैं इधर, ये हमारा एक बेंच है जिसके साथ हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, तो वो मैं आपको इस बेंच की बात कर रही हूँ। इस बेंच के साथ हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। जब मैं बच्चों का इंतज़ार कर रही होती थी, जब वो ख़ुद से गाड़ियाँ चलाना शुरू हो गए थे तो बैठ के, और कभी कभी अगर स्कूल में या फ्रेंड्स के साथ उनकी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो हम इस बेंच पे बैठ के डिस्कस करते थे। तो इस बेंच के साथ हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, और मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि अगर आपको याद हो तो जब पत्ते गिरना शुरू हुए थे तो मैं आपको दिखाती थी, तो ये अब पत्ते जो हैं, फूल पहले निकले हैं। ये हमारा क्रैब एप्पल का दरख्त है, उस पर फूल बहुत सारे निकले। तो ये देखें, पत्तों दरख्तों पे थोड़ी थोड़ी वो आना शुरू हो गया है, क्या उसे कहते हैं, हरियाली आना शुरू हो गया। तो मैंने सोचा कि आपको दिखाती हूँ। ये सामने जो दरख्त है ये वाला, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, सारे सफ़ेद इस पे फूल है। तो ये हमारा नेबरहुड है, तो मैंने कहा आपको दिखाती हूँ अपना नेबरहुड। आज धूप अच्छी लगी है लेकिन हवा बहुत चल रही है। ये वाला दरख्त भी देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, सारे सफ़ेद फूल हैं। तो ये हमारा बेंच है, उसके साथ स्वान है, ये मुझे बहुत पसंद है। इसमें जब और थोड़ा सा मई के बाद इसमें फिर फूल लगाएंगे तो फिर मैं आपको वो वाला भी दिखाऊंगी। तो सोचा छोटी सी वीडियो बनाती हूँ आपके साथ। उम्मीद करती हूँ बहुत सारी वीडियोस बन रही हैं दुआ पे, वो जो बच्ची गुमशुदा बच्ची दुआ जो है उसके लिए, तो हम सब उसके लिए दुआ कर रहे हैं कि खुदा करे वो जल्दी से मिल जाए अपने माँ बाप को। माँ बाप के लिए ये बहुत मुश्किल का वक्त होता है, हमसे पूछ के देखे कोई। तो उसकी माम जब रोती हैं और वो कहती हैं कि हम सब मरते हैं तो बहुत तकलीफ़ होती है ये सुन के। वाकई माँ बाप तो मर ही जाते हैं। बच्चों के साथ कोई माँ बाप अपने बच्चों का दुख ना देखे, मैं तो यही दुआ करती हूँ। तो आप अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें, और मुझे एक बात पे भी बहुत होता है कि माएँ जो हैं वो अपने घर में बच्चों को क्यों नहीं मजहबी तालीम दे सकती, वो क्यों मजहबी अदारों में भेज देती हैं अपने बच्चों को और फिर उनके साथ हादसा हो जाते हैं। तो वो खुद, मेरा ख्याल है हर माँ जो है वो पढ़ी होती है, कम से कम मजहबी तालीम तो उसको आती होती है कि वो घर में करें, अपने बच्चों को तालीम दें, ना कि जा के जो है वो उधर अदारों में भेज देते हैं और वो फिर बच्चों के साथ ऐसे गलत हरकतें करते हैं। तो कितनी तकलीफ़ होती है, फिर तकलीफ़ तो माँ बाप को ही होती है, मीडिया के लिए तो एक न्यूज़ होती है। ये देखें हमारा, ये इस ट्रक पे मैंने लगाया था, तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने घर की छोटी छोटी चीज़ें। ये देखें, ये मैं कहती होती हूँ कि ये मेरा दाऊद है, ये ले मेरा एंजल दाऊद है। ये बस क्या करूँ, हाय कोई माँ बाप इस तकलीफ़ से ना गुजरे जिससे हम गुज़रते हैं। ये जब बच्चे छोटे थे तो वो जाते थे पॉटरी क्लास में, तो ये मेरी बेटी ने बनाया था, इसको बनाया भी था, फिर बाद में पेंट भी किया था। देखिए उसके नेल्स भी उसने पेंट किए हुए हैं। और ये हमारा एक और एंजल दाऊद हमारे गार्डन में है। तो ये अभी गार्डन जो है वो इतना वो नहीं है, फूल वगैरह नहीं है, जब इसमें फूल लगेंगे तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये तो मैंने कहा आज बाय निकली तो मुझे ये याद आया। ये एक हमारा है दाऊद, को ये बहुत पसंद होता था, तो जब हम दूसरे घर से इस घर में आए हैं तो ये आना तो बहुत ज़रूरी था, ये बेंच भी आना बहुत ज़रूरी था। तो बस ये छोटी छोटी यादें हैं जिनके सहारे अब हम जी रहे हैं। तो चलें, आप अपना सब बहुत ख्याल रखें, एक दूसरे का भी ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें कि कोई गलत इंसान जो है वो किसी की बच्ची या बच्चे की तरफ ना देख पाए, इस बात का बहुत ख्याल रखें। तो खुश रहें जहाँ भी हैं। तो
चले खुश रहें जहाँ भी हैं, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ऊपर वाला सब करने के बाद बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेरी वीडियोस देखने के लिए टाइम निकाल के, और अपना कीमती टाइम आशुद से निकाल के मेरी वीडियोस देखने के लिए, कमेंट करने के लिए। तो खुश रहें, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें, और किसी के लिए कुछ कर सकें तो ज़रूर करें। और ऊपर वाला सब करने के बाद मिलते हैं अगले वीडियो में।